बॉलीवुड के वेटरन डायरेक्टर यश चोपड़ा की देहांत की वजह से बॉलीवुड ही नहीं देश का पॉलिटिकल क्लास भी काफी दुखी है और सभी इस बात से सबसे ज्यादा दुखी है कि यश चोपड़ा किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी की वजह से नहीं बल्कि अचानक हुए डेंगू डिजीज की वजह से गुजर गए। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की सिविक एजेंसी BMC ने यश चोपड़ा की डेथ की वजह को एनालाइज करने का फैसला किया है। दरअसल BMC हर साल मॉनसून के बाद डेंगू से बचने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाती है और डेंगू डिजीज से देश के इतने बड़े डायरेक्टर का निधन हो जाने की वजह से उन्हें एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। यहां तक कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद का भी कहना है कि BMC यश जी की डेथ का ऑडिट रिपोर्ट बनाएगी ताकि यश जी की डेथ की वजह का पता चल पाए। यश चोपड़ा 13 अक्टूबर को हॉस्पिटलाइज हुए थे और हॉस्पिटल पहुंचने पर जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला कि यश जी को डेंगू है उन्हें तुरंत ICU में शिफ्ट कर दिया गया लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद यश चोपड़ा को बचाया नहीं जा सका। Well, we hope BMC यश जी के निधन के बाद बन रही ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान से पढ़े और इस बात का ख्याल रखे कि फ्यूचर में ऐसी कोई दुखद घटना ना हो। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।